तो कबाब बनाने के लिए ये 1 किलो मटन लिया है मैंने, कीमा इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। बाद कीमा लेना है इसके लिए। ये 50 ग्राम चने का पाउडर है जो मैंने घर पर बना लिया है, भुने हुए जो चने होते हैं। तो अगर टेबलस्पून से देखते हैं तो ये कम से कम 10 टेबलस्पून चने का पाउडर है, इसको डाल देती हूँ। ये कुछ मसाले हैं, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और ये 1 टेबलस्पून कचरी का जो पाउडर होता है, ये वाली जो इस टाइप की जो कचरी होती है, इसका मैंने ये पाउडर बना लिया है। अगर आप स्किप भी करें तो कर दें, ज़रूरी नहीं है ये डालें। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई लाल मिर्च होती हैं, गार्लिक और जिंजर पाउडर है जो, तो आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, जो लहसुन अदरक जो होते हैं उनको पीस कर थोड़ा, लेकिन पानी हटा दें उसका, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए। इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ हाथ से। ये अच्छी तरह से मिला लिया है। ये 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप कर ली है मैंने, वो भी डाल दी है। ये हरा धनिया, ये आधा नींबू, इसको भी डाल देती हूँ। इन सबको भी मिला लीजिए अच्छी तरह से। फ्लेम ऑन करती हूँ। छोटा सा कोयले का पीस है, इस कोयले के पीस को मैं रख देती हूँ गर्म होने के लिए। थोड़ी सी देर गर्म होने देती हूँ इसको। और ये कीमे में थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ ऐसे। जगह बनाकर ये एल्युमिनियम फॉइल ले ली है, तो इसकी मैं एक कटोरी बनाऊंगी, ऐसे ग्लास या कोई बॉटल हो उस पर रखकर ऐसे बना लें। ये कटोरी जैसी मैंने बना ली है इसमें, और इसको मैं यहाँ बीच में रख देती हूँ। और ये कोयला भी गर्म हो चुका है, इसको डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, कवर कर देती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 15 मिनट हो गए और ये धुआं भी ख़त्म हो गया है इसका, तो इसको मैं निकाल देती हूँ। और कीमे को एक बार ठीक से फिर मिला देती हूँ। तो ये तवा रख देती हूँ मैं इस पर, और फ्लेम स्लो कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे कबाब बनाने हैं, तो ये ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगा। चौकोर वाले पर बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल वाले पर बना रहे हैं तो गोल पर भी बना सकते हैं। ये स्टिक लिया है मैंने ऐसी, आपके पास ऐसी स्टिक हो तो उस पर बना लें, वरना वो आइसक्रीम वाली जो लंबी वाली जो स्टिक आती है मोटी थोड़ी सी, उस पर बना लें। तो ये मैं नींबू के जितना बड़ा वाला जो नींबू होता है इतना कीमा लेकर और कबाब बना लेती हूँ। पर ये रखती जाऊंगी ऐसे। दूसरा भी बना लेती हूँ। इस पर कोई मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, तो आप चाहें तो आयरन तवा होता है जो, थोड़ा सा ऑयल लगा लें उस पर, या नमक और पानी का जो घोल सा बना करके लगा लेते हैं वो भी लगा लें, उससे भी नहीं चिपकेंगे। तो पतले पतले बनाए मैंने, ज्यादा मोटे नहीं बनाए, उल्टा भी लगा देती हूँ। ये सारे कबाब ऐसे बना लेती हूँ, ये हल्का हल्का सा ऐसे पलटते जाएंगे, हल्का सा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाना। तो मैं ऐसे घुमाती जाऊँगी जहाँ तक अच्छा दिखता है। जब ये कबाब जैसे बनाकर हम रखते हैं तवे पर, तो फौरन ही इसको घुमाना नहीं है, स्टिक के ऊपर अच्छी तरह से इसकी पकड़ बन जाए तब इसको घुमाना है, वरना तो कबाब टूट जाएगा। बाकी सेट हुए हुए हैं तो उन्हीं को मैं घुमा दूँगी बार बार। तो ये कबाब सीख चुके हैं तो प्लेटिंग कर देते हैं, पहले साइड वाली निकालूंगी।
दूसरे वालों को घुमाती रहूँगी। कितने जूसी जूसी से कबाब है ना, कोई मक्खन नहीं डाला इसमें, कोई घी नहीं डाला, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये स्टिक बहुत गर्म हो गई है, अगर हम इस पर दोबारा लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं इस पर, तो इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ ठंडे पानी में डालकर। ये मैंने ठंडे पानी से साफ कर दिया, ये टिश्यू पेपर से इसको साफ कर देती हूँ। इस पर भी कीमा लगा दिया है मैंने, रख देती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये कबाब अगर ऐसे बनाए तो। हम कोई भी लकड़ी की स्टिक हो, सादा वाला तवा हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। घी सिक चुका है, उसको साइड को लगा देती हूँ और इसको बीच में रख देती हूँ। हल्के हल्के हाथ से घुमाते रहेंगे बस इसको कब बीच बीच में से। देखिए कबाब सीख चुके हैं, एक बैच को सीखने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। और इस पर अभी और भी कबाब लगा सकते हैं हम, ये साइड में करते रहें, और दूसरी स्टिक अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा कबाब लगा लें। देखिए कितने अच्छे जूसी जूसी से, कितने ब्राउन ब्राउन से कबाब बन रहे हैं, और ये अच्छी अच्छी सी खुशबुएँ भी आ रही हैं। तो ये कबाब तैयार है, इनको भी मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।